नाम सुनो, किम का नाम सुनो, वांट टू रिवील, कह दिया मैं ब्रोजान, ये फिल्म का नाम ब्रोजान, ब्रोजान प्रिंट में भी तो कर ही रहे ना, ठीक है राजेश हो गया ब्रोजान से स्टार्ट करें चेक 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 माइक चेक 1 2 3 चेक चेक क्या देखने मैं ऐसे सही ओके पलाश सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आपको ब्रो जान के लिए थैंक यू सो मच जानना चाहेंगे ये सब कुछ कैसे हुआ क्योंकि हमारा जहाँ तक नॉलेज है 20 साल की एज में आपने ये सब कुछ कारनामा एक आईफोन से कर दिखाया हाँ जी ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आइडिया ऐसा का क्योंकि आपकी सिस्टर एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है आप भी हम जानते हैं कि आप भी म्यूजिक इंडस्ट्री में कई अपना कदम किया है बहुत सारा काम किया है ये सबसे पहले आइडिया कैसे आया कि ब्रो जान करना है मैं रिसेंटली 3 म्यूजिक वीडियोज़ डायरेक्ट किए थे तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे फिल्म तो डायरेक्ट करना ही थी मैंने आशु सर आशुतोष ग्वारिकर सर के साथ भी काम किया तो बहुत कुछ सीखा है उनसे एंड फाइनली फिल्म डायरेक्ट करनी थी जब तो कुछ अलग करना था एंड विच इज़ पॉसिबल आईफोन 6 पे बनी है पूरी फिल्म आईफोन 6 जो कि है वो 4K है विच इज़ कम्पेरेबल विद 70mm स्क्रीन तो ये बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जो कि पूरी की पूरी आईफोन पे है एंड हम लोग के एक्टर्स अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं फिल्म 70% रेडी हो गई है तो ये फिल्म का नाम ब्रोजान ये आइडिया कैसे है कि फिल्म का नाम ब्रोजान ही रखना है मतलब क्या कुछ स्टोरी होगी जो कि जो स्टोरी है वो बहुत ही फील गुड स्टोरी है आपको देख के बहुत मज़ा आएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड घर पे आप अच्छा मैसेज लेके जाएंगे तो वो फिल्म की जो स्क्रिप्ट जो लिखी है उसके हिसाब से ही ब्रोजान नाम है ब्रोजान और ये जो आईफोन से शूट करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस क्योंकि आईफोन से हम देखते हैं कि फिल्में अधिकतर हम देखते हैं कि कैमरे से शूट की जाती हैं बड़े बड़े आई थिंक ये फ्यूचर है क्योंकि आईफोन पे फिल्म बनना बहुत आसान है बहुत मुश्किल था लोगों को कन्वेंस करना लेकिन उसके लिए मैंने पहले एक टीज़र बनाया था जो कि 24 घंटे में रिकॉर्ड किया था उसके बाद प्रोड्यूसर्स को एक्टर्स को सबको दिखाया पहले टीज़र तो फिर वो लोगों ने हाँ भरी उनके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट ली उसके पहले उनको लग ही नहीं रहा था कि आईफोन पे फिल्म बन सकती है लेकिन ये पॉसिबल है हॉलीवुड में हुआ है लेकिन आज तक बॉलीवुड में नहीं हुआ सो हमारी फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जो कि आईफोन पे वो कारनामा हिंदुस्तान में आपने कर दिखाया जी तो कुछ कौन कौन एक्टर होंगे या किसे आपने चूज किया कुछ अगर आप रिवील कर जी अनाउंस हम लोग यही में एंड में करने वाले हैं लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अवार्ड विनिंग एक्टर्स है बहुत ही ज़्यादा वो काम कर चुके हैं नाम है उनका एंड बहुत मज़ा है उनके साथ काम करने में एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं ये मूवी रिलीज़ करने में मूवीज रिलीज़ करने की दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 तो क्योंकि शॉट ऑन आईफोन से सब कुछ किया गया है तो और कैसा रहा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्योंकि सिर्फ आईफोन से ही शूट किया गया है एंड 70% फिल्म शूट हो गई है और अभी तक लीक नहीं हुई बात तो हम लोगों ने जितने भी कास्ट एंड क्रू थे जो अलग थे जो जूनियर आर्टिस्ट है या फिर स्पॉट बॉयज सबको बोला था कि अभी हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं उनको किसी को पता नहीं था कि फाइनल शूट चल रहे हैं यहाँ पे एंड अब पता चलेगा उनको जब फिल्म आ जाएगी सो वो बात लीक नहीं हो इसलिए ऐसा किया था एंड फिल्म शूट हो गई लोकेशन क्या क्या चूज किया होगा मुंबई में पूरी फिल्म शूट की है एंड इट्स अ मुंबई बेस्ड फिल्म तो आगे भी हम आपको इस तरह से कुछ फिल्में हम आपको देखेंगे क्योंकि आपकी सिस्टर बहुत ही पॉपुलर सिंगर है करेक्ट ये फिल्म में भी सॉन्ग गाए पलक मुछाल ने और विशाल ददलानी सर ने भी गाया है अरिजीत ने भी गाया है इस फिल्म में सॉन्ग्स टोटल 7 सॉन्ग्स है एंड 4 सॉन्ग रिकॉर्ड हो गए तो किसी को दिखाया आपने अभी तक ये फिल्म जैसे कि आपने कहा कि नहीं अभी थोड़ा 30-40% बची है तो उसके बाद ऑफकोर्स मैं पहले आशु सर को दिखाऊंगा आशुतोष ग्वारिकर सर को क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा है फिर सलमान सर को दिखाऊंगा मैं फिल्म एंड आई थिंक सबसे अच्छी मैंने बहुत मेहनत हम सब ने बहुत मेहनत की इस फिल्म में तो बस आपको भी मज़ा आए उतनी एंड बहुत मज़ा आया फिल्म शूट करने में और आशुतोष जी के साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस क्योंकि आप उनके अंडर में काम भी कर चुके हैं मैंने उनके साथ भी आपने उनका देखा है हाँ मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी कॉल खेले हम जी जान से उसमें एक्टिंग की थी बहुत मज़ा आया था बहुत कुछ सीखने को मिला था एंड उसी टाइम मैंने सोचा था कि मुझे डायरेक्शन में जाऊँगा
लेकिन म्यूज़िक में भी बहुत मज़ा आ रहा है, म्यूज़िक अभी भी चल रहा है। अभी नेक्स्ट फिल्म स्वीटी देसाई वजन आ रही है जो कि हिमांश कोहली की है, तो म्यूज़िक तो चलता रहेगा लेकिन डायरेक्शन में बहुत कुछ सीख रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। एंड ऑलरेडी रोमांटिक स्टोरी पर काम करो दूसरी फिल्म। अच्छा, नेक्स्ट रोमांटिक पे आप काम करें, जो गाने जो होंगे आपके फिल्म में, आपके 7 गाने होंगे इसमें जी, गाने किस तरह के होंगे और कौन कौन से जॉनर के दिखाई देंगे हमें? ऑफकोर्स ये फिल्म एकदम रोमांटिक नहीं है बिल्कुल, जो आप आज तक देख चुके हैं वो फिल्म नहीं है, अलग हटके है, फील गुड फिल्म है। एंड इसका टाइटल ट्रैक मुझे बहुत पसंद है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रेयर से है, तो वो सॉन्ग आई थिंक आप सबको भी बहुत पसंद आएगा जो कि विशाल ददलानी ने गाया। विशाल ददलानी, आपकी सिस्टर ने कितने गाने गाए हैं? 3 सॉन्ग। 3 सॉन्ग, ओके। चलिए, हम आशा करेंगे कि ये फिल्म आपकी बहुत ही अच्छी हो, आप सलमान सर को भी दिखाना चाहेंगे आप ये फिल्म। जी, थैंक यू सो मच। आगे इसके बाद आपने कहा कि और भी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आगे हम किन किन एक्टर के साथ में आपको देखेंगे काम करते हुए? अभी आई एम फोकसिंग ऑन दिस फिल्म, इसका रिजल्ट अच्छा हो तो ऑफकोर्स आप हॉलीवुड एक्टर्स को भी देखोगे अगर ये फिल्म अच्छी हुई तो। ऑफकोर्स, क्योंकि अभी हम लोग इंटरनेशनल जा रहे हैं, वो जो अब इंडियन एक्टर्स को बुला सकते हैं वहाँ पे, तो व्हाई कांट वी, ऑलरेडी कुछ एक्टर्स आ रहे हैं इंडिया में। एंड फ्यूचर यही है, फिल्म आईफोन पे बनेगी क्योंकि बहुत सस्ते में बन जाएगी एंड न्यू एक्टर्स न्यू डायरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, सिर्फ अगर स्क्रिप्ट अच्छे तो यू कैन मेक अ फिल्म। चलिए, हॉलीवुड की बात की आपने, कुछ थॉट है आपके दिमाग में कि इन एक्टर के साथ में या जो आपको अच्छे लगते हैं? बहुत सारे एक्टर्स हैं हॉलीवुड में, तो बहुत सारे प्रॉपर एक्टर्स हैं, वो हीरो और यहाँ की एक्ट्रेस के साथ आई वुड लव टू वर्क। एंड देयर आर सो मेनी एक्टर्स एक्चुअली, सिल्वेस्टर इज मोस्ट फेवरेट माइन एंड सो मेनी एक्टर्स आर देयर जो कि उनके फेवरेट है, सो आई वुड लव टू वर्क विद हिम। तो वहाँ के सिंगर भी हम आई होप कि देखेंगे, जस्टिन बीबर ऐसे लोगों के आपकी फिल्मों में गाने? ये तो आइडिया मिलते जाए, ऐसे ही होता है, आइडियाज मिलते जाते हैं, ऑफकोर्स क्यों नहीं, जब यहाँ के सिंगर्स वहाँ पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बॉलीवुड में भी उन्हें बुलाएं। Sure. चलिए, आप एक अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, देन अब आप डायरेक्ट में भी काम कर रहे हैं, आगे हम आपको एक्टिंग में भी देखेंगे हम आपको? जी नहीं, मैं अभी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ एंड आई थिंक मैं बेहतर बनूँ एक्टर डे बाय डे, उसमें मैं फोकस करूँगा एंड मैं एक्टिंग में आई डोंट थिंक आई विल गो। ओके, और क्या देखेंगे हम इन फ्यूचर में आपको? डायरेक्शन के बाद आई वुड लव टू प्रोड्यूस सम फिल्म जो कि न्यू टैलेंट है, जो कि उनके पास बहुत बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है लेकिन बजट नहीं है, आई वुड लव टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू सच पीपल। ओके, हम देख रहे हैं कि एल्बम का भी फिर से टाइम आ गया, एल्बम भी बहुत अच्छे चल रहे थे, कुछ आपका ऐसा प्लान? मैंने रिसेंटली 3 म्यूजिक वीडियोस किए थे सिंगल्स जो कि बहुत अच्छे मिलियन हिट्स मिले उसको, तो आई एम ऑल्सो डायरेक्टिंग अनदर म्यूजिक वीडियो, सो वो तो चल रहा है लेकिन फिल्म इट्स अ बिग थिंग, द बिगेस्ट थिंग। एक आखिरी सवाल, आपकी सिस्टर का कितना साथ रहा आपके इस पूरे काम में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उसको एक अलग तरह से, अगर मैं पहला सॉन्ग भी बनाता हूँ तो पलक दी को सुनाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीखा, मैं बॉलीवुड में आया क्योंकि पलक दी ने मुझे इंस्पायर किया था एंड मैंने स्क्रिप्ट भी पहले ही दीदी को नरेट की थी, तो उसको बहुत अच्छी लगी, बहुत वो पहले उसको भी पहले लगा नहीं था कि iPhone 6 पे इट्स पॉसिबल, तो उसको भी टीजर दिखाया, देन उसको बिलीव हुआ एंड शी इज़ सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। Thank you so much. Thank you. ये पॉसिबल है और अच्छी क्वालिटी है, आपको फिल्म देखनी है, स्क्रिप्ट देखनी है, ऐसा है करके नहीं, तो iPhone 6 है, जब iPhone 7 में और नई क्वालिटीज आएंगी और भी, हाँ और सारी क्वालिटी, ये अच्छा एक रिवॉल्यूशन है, बहुत सस्ती बनेगी, बहुत कम है, प्रॉफिट डबल है। iPhone पे बाद में तो एक पीआरशिप ही है, पहले अब स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, इफ यू हैव अ गुड एक्टर्स गुड स्क्रिप्ट देन a few people are sorry. guitar to kya?